नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, कोरोना महामारी के चलते पूरे देश के नागरिक लॉकडाउन के कारण घरों में बंद हैं। ऐसे में सभी जाति धर्म के लोगों ने अपने अपने त्यौहार जो कि धूमधाम से मनाए जाते थे उन्हें नजरअंदाज करते हुए अपने घरों में ही मनाया। गुड फ्राइडे के दिन ईसाई धर्म के अनुयायी गिरजाघर जाकर प्रभु यीशु को याद करते हैं। गुड फ्राइडे को ईसा मसीह ने धरती पर पाप के लिए बलिदान देकर निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया। उस दिन यीशु मसीह ने उत्पीड़न और यातनाएं सहते हुए मानवता के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। आइए आपको बताते हैं गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है। ईसाई धर्म ग्रंथ के अनुसार इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया और मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए थे। उस दिन शुक्रवार का दिन था और इसी की याद में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। अपनी मौत के 3 दिन बाद ईसा मसीह पुनर्जीवित हो उठे और उस दिन रविवार था। उस दिन को ईस्ट संडे कहते हैं। गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे भी कहते हैं। क्या होता है गुड फ्राइडे के दिन, आइए आपको बताते हैं। गुड फ्राइडे के दिन ईसाई धर्म के अनुयायी गिरजाघर जाकर प्रभु यीशु को याद करते हैं। श्रद्धालु प्रभु यीशु द्वारा 3 घंटे तक क्रॉस पर भोगी गई पीड़ा को याद करते हैं। रात के समय कहीं कहीं काले वस्त्र पहनकर श्रद्धालु यीशु की चाबी लेकर मातम मनाते हुए पैदल यात्रा निकालते हैं। गुड फ्राइडे निश्चित प्रायश्चित और प्रार्थना का दिन है, अतः इस दिन गिरजाघरों की घंटियाँ नहीं बजाई जाती हैं बल्कि उनके स्थान पर लकड़ी से खटखट आवाज़ की जाती है। घरों में देखकर वहीं से इस आराधना में सम्मिलित होने पा रहे हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है कि जो महामारी हमारे देश में फैली है, हर जाति, हर धर्म, हर भाषा का व्यक्ति आज यही प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना को सुने और हमारे देश में से इस महामारी को, जो कोरोना नामक महामारी है, हमारे लोगों को छुड़ाने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु से कि वो हमारी प्रार्थना को सुने और जल्दी से जल्दी पूरा देश ठीक हो जाए। प्यारे पिता, धन्यवाद इस सुंदर दिन के लिए जिस भारत देश में हम रहते हैं। अभी हम जानते हैं बहुत ही विपरीत परिस्थितियां हैं। हम भी पिता प्रभु चर्च आराधना नहीं कर पा रहे हैं, पर इस फेसबुक लाइव टीवी के द्वारा जब हम आराधनाएं ऑनलाइन संचालित कर रहे हैं, जितने भी भाई बहन इसको घर में देख रहे हैं, आप उनको उनके स्थानों पर आशीष दीजिए। और पिता प्रभु हमारी यही प्रार्थना है संपूर्ण विश्व में पिता प्रभु आपकी शांति आने पाए, विशेष भारत पिता प्रभु तेरे नाम से बदल जाए। पिता परमेश्वर महामारी से पिता प्रभु पूरी सरकार जो जोर को लगा रही है, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, मीडिया विभाग, हर एक को पिता आप आशीषित करिए कि वो अच्छे से अपने काम को करते हुए पिता प्रभु जी और प्रत्येक घरों में रहने वाले लोग पिता प्रभु सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए लॉकडाउन में बने रहने पाए, ताकि हम मिलकर पिता भारत से उस महामारी को हटाने पाए। ईसा मसीह ने धरती पर पाप को, पाप के लिए बलिदान देकर निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा का उदाहरण दिया है। इस दिन ईसाई धर्म के अनुयायी जो हैं गिरजाघर जाकर प्रभु यीशु द्वारा जो 3 घंटे की पीड़ा भोगी गई थी उस पीड़ा को याद करते हैं और गिरजाघरों की घंटी नहीं बजाकर लकड़ी खटखटाते हैं। कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती, भोपाल। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।